जय श्री राम भाई लोगों, सभी भाई लोग कैसे हो? मस्त हो, मजे में हो? तो मजे में रहना चाहिए। आज एक और नया व्लॉग लेके आए और ये व्लॉग होगा भैया सभी पिताश्रियों के लिए। तो भाई सबसे पहले हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जितने भी पिताश्री मेरे चैनल को देख रहे हैं, व्लॉग को देख रहे भाई उनको, और फादर्स डे ऐसा नहीं होता कि आप अपने ही पिता को बोलो, जितने भी पिता हैं उन सब के लिए होता है भाई ये। हर एक पिता के लिए फादर्स डे हुआ करता है। और एक चीज मैं बताता हूँ, देखो मैंने रील भी डाली थी कि भाई देखो मैं कौन करे सोशल मीडिया पर हर चीज पोस्ट करनी रह जाए या पोस्ट करे काम हो जाए, आधा से ज्यादा लोग तो जाने भी कौन इंस्टाग्राम का इन चीजों से। लेकिन मैं एक चीज बताऊँ था, मैं कई बार कहीं कि बच्चा पिता से दूर हो जाए क्योंकि बच्चों पिता थोड़ा सा ये मतलब रूड रह जाए, मतलब खड़ूस टाइप का हो जाए जाए, क्योंकि भाई मजबूरी हो जाए जाए तो काम धंधो लोड लेता लेता परिवार ने स्ट्रगल करता करता। तो कई बार बेटा बेटियां सोच लेते यार पापा तो प्यार कौन करे, मम्मी ज्यादा करे। लेकिन थार मैं बताऊं, पिता भी मम्मी की जिया ही भाई प्यार करे, बहुत प्रेम करे जाए, बहुत सारा संघर्ष झेल जाए। तो आज मैं रखे पास भाई सबका सब अपना पिताजी और गले लगा लीजिए। भी यहाँ तो ब्लॉग देख रहे वाला जितने तो जा चुके फादर्स डे, लेकिन जो नहीं लगाए जो लगा लीजिए, मन ध्यान से सभी लगाओ भाई सबका मन में। और बताओ एक चीज, जब थे था मम्मी जल्दी से गले लगा सोच, लेकिन जब थे पापा ने गले लगाओ जो तो एक थोड़ा सा अंदर शर्माहट रह जाए, मारे तो रह भाई ये लगे से आ रहा। लेकिन भाई मैं तो लगाऊं जो, तो सबको फिर से अगेन हैप्पी फादर्स डे। और भाई सबसे पहले मेरे को फादर्स डे विश किसने किया था भानू बताना? पीहू ने। पीहू फादर्स डे विश आपने किया था सबसे पहले? मैंने। बुद्धू कब आ रहे हो? आज आ जाओ। हाँ अच्छा, मेरे लिए सरप्राइज लाओगे? हाँ अरे वाह, आई लव यू, आ जाओ जल्दी से 18 तारीख को आ जाओ लेने। चलो भैया तो पीयू को लेके आ जाएंगे 18 तारीख को, क्योंकि 20 से 21 तारीख से स्कूल चालू है, दो दिन उसको सेटल होने में लग जाएगा और फिर उसके बाद में हम चैलेंज वीडियो लाना शुरू करेंगे। भाई सबसे पहला चैलेंज जो आएगा ना भाई अल्टीमेट चैलेंज आएगा, मजो आ जाओ था लोगों ने भैया, तो थे लोग लोग शेयर उनको करो मारा बटा का घर आना था, लोग ने शेयरिंग रोक दियो जाओ मम्मी खानो माता भाई ना बगेड़ी जाए। आज खूब दिनों बाद भाई देवी देवताओं की पूजा पाठ करी है, मम्मी बोली कि पूजा तो कर, तो भाई अचानक से मन में आएगी पूजा कर ही लेते। और हमने क्या करा भाई, किचन का ये वाला एग्जॉस्ट ना देखो उल्टा करके लगाना पड़ा, क्योंकि इसका फ्रेम है छोटा, छोटा वाला एग्जॉस्ट हो गया खराब, बड़ा वाला एग्जॉस्ट था इसको उल्टा करके आगे का वो जो था ना वो बंद वाला सिस्टम वो सारा तोड़ दिया और फिर डायरेक्ट चालू कर दिया। अगरबत्ती वगैरह लगाऊ तो सारी जी अभी भाई अगरबत्ती खुशबू तो अंदर रह जाए, जो धुआं हो जाए वो बाहर चल जाए। और भाई एसी जी रूम में लगे डो रहे सबसे पहले काम गाइयों ने जी अगरबत्ती जलाया या कोई भी चीज पहले वो एसी वाला रूम में जाए ली बोलोगा तो कहीं चक्कर कहीं साहब सर्कुलेशन ओए होए, ये ट्रक किसका है? हाँ जी नाइस ड्रेस। राम राम, आज गंगा दशमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, कल निर्जला ग्यारस की है और गंगा मैया आज के दिन भागीरथ जी प्रकट करे जा पृथ्वी पे। अच्छा तो हमें एक चीज बताओ थे, हाँ। काल की कहीं निर्जला ग्यारस? हाँ। तो यार ये तो हम मतलब जो लालोर में सारा है तो पहले कर चुके हैं, तो थे तो जल पा चुके हैं पर काल चे मुखे तो भाई काल माखे भी मतलब व्यापार मंडल वाला सारा पर्ची काट रखा जाए शायद अपन तो गन्ना की कर ला हर साल, तो मोस्ट ऑफ द केस में तो गन्ना को ठेलो लगाओ जो पूरा फिर गन्ना की सप्लाई चला जाए दबा दम काल की सप्लाई और मजा आता है भाई। देखो जब पीपा में आनंद हो जाए यार वो भी गल्ला लड़ो बहुत जोरदार पीस नड़े तू पिया थे। हां तो हमें और ड्रेस कौन की पहनली तू आज यहां खड़ो लेकिन कंफर्टेबल लगी। हां चलो भैया मम्मी देख लो कौन सा कोट पहनने लगे, क्या बोलते इसको ड्रेस कोट बता रही बेस कोट लेकिन अच्छे लग रहे हो आप। हां बोलते तो क्या है अपन क्या जाने यार मम्मी, लेकिन एक चीज मार समझू को नहीं अपना ही घर के मायने बकरी गुण जा यार अरे पादड़े टकरी यार गेट के पास चल एरी अरे पादड़ा में मारा ढेले आई थी तू खाओ ले वाने हां उली खाई ई तो एक बहुत तगड़ो रात छे क्या घुटनों को परेशानी हो जाए घुटना में दर्द है हाथ पर हम दर्द है तो इन्हें सूखा और पीस और एक सुबह सो फाकी लियो पानी के साथ तो सारी बॉडी को दर्द मिट जाए। अरे खाना दोपहर में बकरी की मैं भी करवा लग जाए बकरी की जद में ले सो मैं भी नार देखी मुझे यार बकरी गुणा की करके मायने मम्मी ले आई थी की बकरी में ही सो। अच्छा भैया हां मम्मी पता चले कि दो फाकी ले तीसरी फाकी मायने मम्मी का आवाज आवाज आ जाए मम्मी अगर वह लाग जाए बताओ लखाणो गाल दे मन भूख लगे रहा मरी आज तो एक और से है पिता का दिन। हाँ तू बोली थर पापा फादर्स डे पर पापा ही कौन में काई बोलवा है मंदिर में जाकर बोल सके जी ना नन ये तो बोल दी सुबह उठती बोल दी मैं फोटो को ध्यान कर अब रो बगे लागी सब बोल ला और एक्टिंग करते हो आप लोग बोले तो बोलो भाई दिल की भावना तो लगे भाई मैं सुबह मम्मी के आज फादर्स डे जब भी इमोशनल और झाड़ू काटती काटती साइड में चली गई कोई बात नहीं तो मेरे भी नाना हैं अब यार चलो राजी कर रहा
चलो भाई अपनी 0900 को निकालते हैं। और आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मैं काफी बार बताने की सोचता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। देखो मैं हमेशा गाड़ी के गेट में 3 चीजें रखता हूँ। एक तो सैनिटाइजर भैया, ये हमेशा चाहिए। अब ये कल मैंने सैनिटाइजर खरीदा, ये एक्सपायरी डेट का था तो भैया ने फ्री में दे दिया। मेरे को ये चीज बताना, एक्सपायरी डेट का सैनिटाइजर यूज करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये तो भाई मेरे हिसाब से यूज कर लेना चाहिए। एक रखता हूँ भाई क्लीनिंग के लिए कॉलिन, एक पॉलिश और एक परफ्यूम की बॉटल परफ्यूम की, इसलिए ताकि जैसे कहीं मान लो गए अपन पसीने में भीग भीग गए तो अपन को परफ्यूम तो चाहिए ही चाहिए भैया। दूसरी चीज पॉलिश इसलिए रखता हूँ, गाड़ी धोता हूँ तो तुरंत पॉलिश लगा दी। और सैनिटाइजर इसलिए रखता हूँ, कहीं भी जाओ ना सैनिटाइज करो भाई हाथों को, आज भी करता हूँ मैं सैनिटाइज। और भैया सबसे प्रिय चीज, मतलब चीज तो क्या है भाई, जय श्री राम, मैं राम भगवान को साथ रखता हूँ भाई। तो पापा का टिफिन ले लिया और आज अगर फ्री रहना तो भाई मैं दुबई वाले भवनों के व्लॉग एडिट करके छोड़ूंगा। रोज की रोज एडिट करने बैठता हूँ, कोई ना कोई काम निकल जाता है, उसके बाद वैसे लैपटॉप वैसे वैसे पैक होकर वापस आ जाता है, लेकिन लेके जरूर जाता हूँ साथ। देखो पीछे रखा हुआ। और भाई मौसम विभाग की जानकारी आपको दे दूं, गाड़ी दिखा रही 40 डिग्री टेम्परेचर लेकिन गर्मी तेज फील हो रही है भाई, और बादल आ गए वापस से। तो मेरे को लग रहा है कि हो सकता है घंटे आधे घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर अंदर बढ़िया बारिश हो जाएगी। देखा तो एक्यूरेट मौसम विभाग की जानकारी थी ना भाई, 2-3 महीने तक का टाइम खींच लिया, इतने में तो आएगी आएगी। तो अब चलते भाई दुकान, और दुकान जाकर के बहुत सारा काम करना। भाई बच्चे की बोल बच गई, एक छोटे से बच्चे की प्लास्टिक की बोल रोड पे आ गई थी। कोशिश तो मेरी यही थी कि टायर के नीचे आगे फूटे ना, लेकिन नहीं फूटी। छुट्टी जी कहाँ की? तो भी क्या बाबा ऑडिट को सुनो चक्कर भाई, देखिए कहीं बताओ बोलो कौन है जना को नहीं। फिर और यो हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद नहीं है, मैं भी फादर हूँ किसी का, आप मुझे भी कह सकते हो। सही बात है, सेम टू ही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फादर्स डे का मतलब है पिता का दिन। तो बताओ क्या करना है पापा, अपन दोनों आज पिताओं को, अपन मेरे को लग रहा है अपन छुट्टी कर लेते हैं और चलते घूमने बाहर। नहीं पिताओं को कोई छुट्टी नहीं, काम करो बेटाओं के लिए। बेटी का बाप छुट्टी कर लिया तो फिर काम काज के चल रहा, उनके लिए काम करो, बच्चों के लिए काम करो। पापा लेकिन एक चीज बताओ, आज मार्केट सुस्त क्यों है एकदम ढीला ढीला? क्या है, गर्मी तेज है। अच्छा, और दादी कैसी है? दादी ठीक है यार, थोड़ी दादी के यार सोजन आ गई आज यार, वो छुट्टी नहीं मिली आज भी। क्यों? थोड़ी सी यार सोजन आ गई, कोई दिक्कत तो हुई तो डॉक्टर ने कहा आज और रखेंगे। अच्छा, कोई नींद नींद की दवाई तो कौन चल रही है? चल रही जाए दवाई, हम तो सारा ही चले जाए भाई, नींद की दवाई चले जाए, स्वेलिंग ज्यादा हो बॉडी में, सारी चले जाए यार। डॉक्टर आपका हिसाब से ही दे चाहिए तो गलत दवाई तो देखो। सही बात है, चलो शाम को मिल के आऊंगा फिर मैं। शाम को फिर क्या मिलना ही हो तो। आज तो करिश्मा हो गया, शाम को 5:30 बजे और ये गाड़ी मार्केट के अंदर कैसे निकल के आ गई फूफा जी, इतना बड़ा अनर्थ। बिल्कुल आज गाड़ी से ही स्कूटी त्याग दी क्या आज से? कितनी देर के लिए? आज तो है। अगर फूफा जी बोल देते रोज तो भाई कल ही डाल देता व्लॉग में स्कूटी पे, नहीं तो आज कहीं जाने का विचार है तभी यही गाड़ी। मूड हो गया आज यार, ग्रेट। देखो भाई गाड़ी लगा दी फूफा जी ने बीच में, अब ऐसे कोई गाड़ी आती है ना फूफा जी का जीव ऊंचा नीचा हो जाता है भैया, कहीं नया खड़ा अड़ा जाए, नया खड़ा अड़ा जाए। रास्ता 30 फुट का, 3 गाड़ी आ जाए तो नहीं, लेकिन अड़ाओ कोई कोने। दिवाली की टाइम थे गाड़ी लगा दी तो पक्की अड़ जाए, दिवाली ने मतलब ऊपर सिड्डे तक चालू है ट्रैफिक। मार्केट क्या है, टाइट है ना। पापा गाड़ी सही जगह खड़ी जाए, गाड़ी बहुत बढ़िया जगह खड़ी जाए, खड़ी करवा करो गाड़ी रोज रोज। आड़ी लगा दे करो, सुनो थे लगा दे करो, मैं माड़ी ले रहे लगा दू। चलो भाई दुकानदार का उनका सेटर जती तो आड़ी आई जाए, छोड़ दे करो तो ग्राहक आवाज तो अपना तो ग्राहक आ जाएगा। आदमी 3 बार पड़ो बटे पापा ठाया इन दम खाया अपन 10 रुपए मिले जो हाल ही गुंजाई सुन। देखो ती 3 बार ही पड़ो। अरे चप्पल ही टूट गई। ओए कहो आदि पूर्ण गण ठोकर किक पे किक दिया जा रही है, जो पहले तो मैं चाबी कोस लिया लेकिन मान रही हो ना अभी से स्टार्ट करो, यो काम बढ़िया होगा ठीक, किक दे बो कर लो घंटा 2 घंटा जत्ता उतर जा लिया। अरे नहीं बावड़ा तुम्हें मौत को खेल दी कलो राउंड गेट में, एक बार तो कराई ना ना ना, एक बार ला लो भी पीआई जी गली कमाई जो फिर ये किक दे बो करी 2 घंटा देनी भाई। अब देखो इंजन को काम खोल लो, और देखो भाई इस चाबी भी गुण घूमी जी, देखो थे स्थिति देखो की वो आगो रोकी भाई ये आगे ये गिर गए रोकी भाई। भाई देखो मतलब चकाचौंध होगी, लोग बाग ठाया जान कर इन बापड़न चक्कर आ गए भाई साहब, लिमकम दे मोटरसाइकिल तो बंद करनी पड़ी जा रही। उस टाइम तक तो स्टार्ट थी मोटरसाइकिल, इसका अब एक बार तो लोग बाग उठा दिया भाई, चलो कोई बात नहीं गरीब आदमी। अब आपको सेकेंडरी कैमरा दिखाया जाएगा, रोकी भाई की मोटरसाइकिल खड़ी हो चुकी है। रोकी भाई अब इसके लिए अगला वो 30 सेकंड आगे कर दिए, रोकी भाई खड़े हैं दिख नहीं रहे लेकिन आपको रोकी भाई अचानक से दिखेंगे, अभी देखना भी आप चले तो अब बस कुछ ही क्षण में आपके बीच आ जाएंगे अचानक। आओ आओ आन मिलो सजना, आ सजना आ गए। हे प्रभु हे जगन्नाथ जी, क्या हुआ भाई थैली गिर गई। अब देखो आर एस आर का फिर स्ट्रेस हो गई, इन तो ठाव है यार, मैंने नट दिया भाई। अब पापा देख रोकी भाई मिर्जापुर सीरीज का मुन्ना भाई गया था, ये पापा जी जाएंगे और इसको देखना डेमो देंगे। और खड़ा हो मोटरसाइकिल चाबी निकाल ली, मेट्रो उधर चल रहा है। अब ये देखो
अब भाई साहब उसकी रिकॉर्ड हो रहा है, बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, पापा आ जाएगा भाई। अब मैं थोड़ा सा आगे निकालू जो वो फिर सब रोकी भाई फिर बैठ गए। और अब की बार जब गिरेगा जब भाई साहब ऐसा हाई हो जाएगा दुनिया इसका सपोर्ट करना बंद कर। आए वो आए वो आए वो भाई साहब मोटरसाइकिल आगे जा चुकी है एक फिट आपके बीच में आ गए हैं देखिए 7 करोड़। चल भाई मैं हंस रहता था लोगों ने ला लो कमेंट भी कर ला कही भाई लेकिन मैं इन्हें रोक लिया। मेरे को लोग चाहे कि भाई अठे रोक लिया कोई का फोन चुका इन्हें बुला लिया कोई के साथ भेज दिया लेकिन इन्हों को आदमी चलती फिरती मौत से कोई ने मार भी दे रो खुद मर जाए तो ये टावर गुण के जाए ला। मैंने अठे रोक लिया की मोटरसाइकिल अभी बारन खड़ी चलाना दिखा और इन भाई पकड़ रवाना कर दिया मैं तू जा कर आसू कोई ले रहा। ये होती है इंसानियत क्यों लाला एक बार लालो पी लीजिए भाई दुकान से जल्दी ही निकल ली क्योंकि दाढ़ी करानी चाहिए और हेयर कट कराना जो और आज मैंने एक मुहूर्त में जाना जो लोकेश जी और गए लेकिन भाई टाइम ही कौन मिल पायो क्योंकि एक तो दादी की तबीयत खराब दूसरी चीज यार ते समझो जो जब यार घर को माहौल नहीं आओ तो फिर आप जा कौन सका यार फंक्शन वंक्शन में फिर चलो ठीक है यार जा तो सका जा कोई दिक्कत कौन लेकिन अब दादी की तबीयत ही खराब हो तो फिर यार पापा यहाँ सोच लिया यार देखो तो आपकी मौज मस्ती काट रहे मारो मन भी कौन सो भाई बिल्कुल भी 1% मन कौन सो तो अब आप जाओ ना निकाल आराम ले ले भाई रोक रहा की जो तो आगे खुल ली तो अब आप चाल रो काम कर ले दाढ़ी कटिंग वालों फिर दादी गंज चलना यार भाई घर पे आते गर्मा गर्म कॉफी पी रहे हैं और मेरा विचार था भैया सैलून जाने का तो जाएंगे तो सही दाढ़ी करवाएंगे लेकिन क्या हुआ कि हमारी प्रिय पुत्री पीहू रानी का फोन आ गया कि पापा लेने आ जाओ। पहले भी दो बार वो ऐसे बातों बोलते थे पापा आ जाना लेने तो अब उसका फोन आ गया पापा लेने आ जाओ तो अब उसको जा रहा हूँ लेने और फिर आपको पता ना कैसे मजा आने वाला है। उसका मन नहीं लग रहा लेके आ मन वन तो सब लागे जे टाबर जे टाबर कर ले मन हो रहे कि आपा को ले रहा भी नहीं है फिर जूं तू चल जाइए गया बे बेर बेण भाग जाओ कहीं उतर कोई जा बुझो मैं तो कहीं जाऊंगी तू जा लिया चलो मैं कॉफी पियो सा पहले दाढ़ी करा रहा छुए ये बोलूं कटिंग कौन करवाऊं फिर आज यार कटिंग कराएंगे कलर कराना पड़े फिर नानो पड़े जन लेट हो जाऊं तो दाढ़ी करा सीधे चल जाओ ना बुधवार कर ला कटिंग ये कर लियो ये कर लो भाई अभी तेरी पोती को फिर फोन है इसे पापा परसों आ जाना लेने तो कोई बात नहीं मैं कटिंग दाढ़ी कराया सही जाओ आज पीहू चाहती है मेरी कटिंग दाढ़ी हो ही जाए सारी कायनात लगी हुई है तो भाई कटिंग दाढ़ी कराई आते हैं क्यों बानो हेयर कट करा के आएंगे आ जाओ पीहू नहीं आ रही पीहू बोल रही परसों आऊंगी बन दोनों चलो पैदल पैदल चलते अभी करा के आ जाएंगे 2 मिनट में ठीक है चलो तो भाई डैडी भी करा लिया हेयर कट करा लिया लेट हो गए 9:30 बज गए कलर का रन कर लेना निकाल आराम से क्योंकि मैं लगाऊंगा कोई हूं मैं मेहंदी बनू आप दिखाना मस्त करेगा हेयर कट हमारा की सेम सेम क्यों है सेम सेम ही हुआ है ना हेयर कट आज बाल भी खड़े रखना आप ठीक है मैं भाई चलो जी ठीक है साहब बहुत बहुत धन्यवाद है यार वेलकम चलो अभी शिवा के लिए छीले जा रहे अनार क्या हुआ आप मेरे फोन से किससे बात कर रहे थे किससे करे बताओ मेरे से अच्छा आप कौन से फोन पे कर रहे थे दूसरे वाले फोन पे कर रहे थे आज वीडियो कॉल करा डायरेक्ट बंदर भाई मार से बात करवा के लिए अनार भी खा तो छोड़ भागे हो क्यों मैं थोड़े हो मामा से बात कर लिया आप मेरी जिगरी हो क्या है देखो गिर जाओगे अभी बंदर करता है इसे तो आप क्या हो आप भी तो बंदर ही हो अच्छा मेरी कटिंग कैसी लगी आज गन्नी लगी कटिंग क्यों और डैडी हाथ लगा के देखो गंदी लगी हाँ। कैसे करना था हाँ पूरा आपकी तरह हाँ। आपने कर रखी डैडी जैसे हाँ। आपकी डैडी करा के लाऊं एक दिन हाँ। और नेल्स क्यों नहीं काट रखी इन दिनों हुड़ी बाबा दिखाओ कितने बड़े रहे दिखाओ आप बना लो तो शिवा क्या क्या बना रहे हो व्लॉग में आप बना रहे हो व्लॉग लाओ भाई तो भाई शिवा व्लॉग बना रहे चलो अनार भी खाते रहो आप थोड़ा थोड़ा मम्मी ड्रेस चेंज भी ड्रेस में थोड़ी घबरा को तो जल्दी 9:30 बज गई शिवा शिवा पूरी अनार मेरे को दे दो खा लो शिवा मेरे को भी अनार खिला दो देखो भी कोई नहीं कुंदी पापा लेर बताओ मम्मी तू लेर बता देखा ये दो ही जगह अनार दाना हाँ जा रहा हूँ दादी घर में आई लव यू आपको सब मिस कर रहे थे व्लॉग में सब के सब कहाँ गया आती नहीं हो व्लॉग में एटीट्यूड दिखाते हो मेरे छोटे छोटे लबाल हो गया आपने देखो दिखाओ हाथ दिखाओ पहले हो गए ना चलो मेरे यहाँ पहुँच लो पजामे पहुँच लो आप तो दिखाओ अब दिखाओ मेरे को और कहीं हाल चाल बढ़िया जी हाँ। पढ़ाई लिखाई हो रही थी आज सुबह से पापा कह रहे जब इन्हें नई छुट्टी चाहिए अच्छा एक दिन के लिए आ जाऊंगी कि एक दिन अंदर मिला
मेडिकल लगा दिया फिर माई दादी आई बैक टू से देट चल ठीक है मैं भी दादी के जा रही हूँ भाई दादी से मिलने के लिए हमारी हवाई जहाज निकल चुकी है यात्रा के लिए और भैया को पायलट ने सीट बेल्ट लगा लिया आज क्या चक्कर है बाबा सीट बेल्ट तो लगा के चलना चाहिए बाबा सीट बेल्ट तो लगाना चाहिए लेकिन इकड़ो सीट बेल्ट देने मारे बिल्कुल फिक्स हो जाए तूंद पड़े गाड़ो अब मोटा आदमी ना लीक होने गाड़ी है ना पतला आदमी सेपरेट सेटर बैठा सी माइन बिल्कुल मैं तो मोटो ही यार हो जाए बिल्कुल बेल्ट और भाई मैं थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि शिवा आइड हो जाए तो शिवा से मिल वाला आपको और मम्मी नहीं ली ले रहा है क्योंकि मम्मी की आज थोड़ी तबीयत भी खराब है और फिर शिवा को तो मम्मी बोली मैं शिवा से मिल भी थोड़ी देर फिर शिवा आजकल दीदी के करना रह जाए वो ज्यादा टाइम को लगा दादी सो अंडर फिर आ जाऊंगा क्योंकि लेट होगा यार आज में तो भाई दादी माँ से तो मैं मिला और दादी माँ की आज वीडियो कौन बनाया क्योंकि दादी की थोड़ी सी तबीयत ज्यादा खराब हो गई एक तो पग में जो ग्लूकोज लग रही भाई बाउट हो गई बहुत मोटो सूज हो भी दौड़ दौड़ से पूरा पग में मुंडा का सूजन आ रही है काल कोई नींद की गोली गोली दे दी है और बस थोड़ी सी ज्यादा पावर की थी तो भाई दादी की थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है हालांकि कल छुट्टी तो मिल जा लेकिन नींद कमाए रही है और जब गेफल की पूरी तो भाई बड़े में ब्लॉग बनाए उन्होंने फिर दादी ने सुहा अब जा रहे हैं ग्रांड भाई।